गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है दोस्तों 2 जुलाई 2020 और अपनी टॉप 10 करंट अफेयर की सीरीज़ का दोस्तों सेशन नंबर 184 है। दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज की अपनी मोटिवेशन लाइन है, बहुत छोटी है लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी बात दोस्तों कही गई है। आई कैन डू इट, यानी कि मैं इसे कर सकता हूँ। कोई भी काम हो दोस्तों तो उसके लिए अपन को यही बोलना है, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। तो दोस्तों इसी लाइनों के साथ अपन आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। कल के वीडियो में दोस्तों आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा गया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने की स्वीकृति दी है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर। कुशीनगर में हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने की स्वीकृति केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने को स्वीकृति दे दी है। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के काफ़ी नज़दीक होने के कारण यह हवाई अड्डा सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुशीनगर न केवल आर्थिक, सामरिक और व्यापारिक योगदानों के लिए दुनिया भर में जाना जाएगा बल्कि यह पर्यटन का हब भी बनेगा। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्वी हिस्से में स्थित है और गोरखपुर से 50 किलोमीटर यह पूर्व में है। बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है वर्तमान में आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, अंतर्राष्ट्रीय शुद्र ग्रह दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 30 जून। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय शुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे 30 जून। संयुक्त राष्ट्र ने शुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड के खतरे को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 जून 2017 से अंतर्राष्ट्रीय शुद्र ग्रह दिवस मनाने की घोषणा की थी। लोगों के बीच शुद्र ग्रह को लेकर जागरूकता बढ़ाने और इससे होने वाले खतरे को लेकर युवा पीढ़ी को बचाने और उन्हें इससे होने वाली भयानक घटना को विस्तार से समझाने के लिए शुद्र ग्रह दिवस को प्रत्येक साल 30 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किल कोरोना अभियान। किल कोरोना अभियान क्या है? मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और नागरिकों का कोविड के साथ साथ अन्य बीमारियों का भी परीक्षण किया जाएगा। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान जी, राज्यपाल है लालजी टंडन और राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि रॉयल बंगाल बाघों की बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के इलाज को प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन होने जा रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सेंटर होगा। कोविड-19 से संक्रमित मरीजों का इलाज या प्लाज्मा थेरेपी से किया जाएगा। बात करें दोस्तों महाराष्ट्र की, तो राजधानी है मुंबई, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी जी, मुख्यमंत्री है उद्धव बाल ठाकरे जी और उप मुख्यमंत्री है अजीत अनंत राव पवार जी। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों अपना, भारत सरकार ने गुणसठ चीनी ऐप पर बैन लगा दिया। तो चाइना के ऐप है दोस्तों 59 जिनकी संख्या है, उन पर भारत सरकार ने बैन लगा दिया है, प्रतिबंध कर दिया उन ऐप्स को। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत सरकार द्वारा गुणसठ चीनी मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने का निर्णय लिया गया है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत दी गई सूचना प्रौद्योगिकी जनता द्वारा सूचना के उपयोग को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपाय नियम 2019 के संबंधित प्रावधानों के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए खतरों की उभरती प्रकृति को देखते हुए 69 ऐप्स को ब्लॉक करने का फैसला किया है।
कौन से है दोस्तों ये गुणसठ ऐप जिसके अंदर जो टिकटॉक एक सर्वाधिक प्रचलित ऐप है वो भी दोस्तों इसके अंदर शामिल है। शेयर इट हो गया, कवाई हो गया, यूसी ब्राउज़र भी दोस्तों जो है ये चाइना का ऐप ही है। तो ये गुणसठ ऐप की दोस्तों जो लिस्ट है यहाँ पे दी गई है, जिसके अंदर आप यदि देखना चाहो तो देख सकते हो कौन से गुणसठ ऐप है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 5। माइकल मार्टिन को हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। आयरलैंड के निचले सदन द्वारा माइकल मार्टिन को आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया। इस चुनाव में माइकल मार्टिन के पक्ष में 93 वोट, इस विपक्ष में 63 और 3 पर मतदान नहीं हुआ। वह 2011 से फियाना फिल पार्टी के नेता, इनकी पार्टी कौन सी है दोस्तों, फियाना फिल पार्टी है। बात करें दोस्तों आयरलैंड की, तो आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन, और मुद्रा है यूरो। राष्ट्रपति है माइकल डी हिंगिस राष्ट्रपति है, और प्रधानमंत्री किसे चुना गया हाल ही में, माइकल मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल। गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया। यह पोर्टल जनता को इस अभियान के विभिन्न जिलावार और योजनावार घटकों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों अपना, स्वास्थ्य मंत्रालय की समिति का प्रमुख कौन है जिसने सीरोलॉजिकल सर्वे की सिफारिश की है। और स्वास्थ्य मंत्रालय की समिति का प्रमुख कौन है, वीके पॉल जिन्होंने सीरोलॉजिकल सर्वे की सिफारिश की है। गृह मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार दिल्ली में सीरोलॉजिकल सर्वे किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 सकारात्मक मामलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। सीरोलॉजिकल सर्वे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC और दिल्ली सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। जिला टीमों को NCDC प्रशिक्षकों द्वारा आरोग्य सेतु और इतिहास ऐप का उपयोग करने पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों अपना, G20 शिक्षा मंत्रियों की एक विशेष वर्चुअल बैठक हाल ही में आयोजित की गई। शिक्षा के क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यापक व्यवधानों को दूर करने के लिए G20 शिक्षा मंत्रियों की एक विशेष वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो दोस्तों जो G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक थी, इसमें भारत की तरफ से किन्होंने हिस्सा लिया, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इसमें भारत की तरफ से हिस्सा लिया। सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक शिक्षा क्षेत्र पर कोविड-19 महामारी के प्रभावों, विभिन्न देशों ने इसका सम्मान कैसे किया और सदस्य देश इस कठिन समय में शिक्षण गतिविधियों को आगे बढ़ाने में कैसे सहयोग कर सकते हैं जैसे मुद्दों पर इसमें विचार विमर्श किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों अपना, संयुक्त राष्ट्र ने केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को हाल ही में सम्मानित किया है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया। उन्हें राज्य में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। शैलजा को राज्य में मृत्यु दर पर नियंत्रण रखने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। केरल जहाँ भारत का पहला कोरोना वायरस मामला सामने आया था, राज्य में कोरोना मामले के ग्राफ को नियंत्रित करने में अब तक सफल रहा है। बात करें दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945 में की गई। महासचिव इसके एंटोनिया गुटेरेस है जो कि पुर्तगाल के हैं, और संयुक्त राष्ट्र दिवस दोस्तों 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाने की शुरुआत साल 1948 से की गई थी। वही बात करें अपन केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन जी। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों अपना, हॉलीवुड निर्देशक जोएल शूमाकर का हाल ही में निधन हो गया। कॉस्ट्यूम डिजाइनर से वो निर्देशक बने थे और 2 बैटमैन फिल्मों सहित एसटी एल्मोज फायर, द लॉस्ट बॉयज, फेलिंग डाउन जैसी हिट फिल्मों के निर्देशन के लिए उनको जाना जाता है।
दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उसको किस राज्य के राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार हाल ही में सौंपा गया है, इसका सही जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो की PDF पाने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।